पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मजोत आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुए गिरफ्तार। पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मजोत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में धर्मजोत को गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस की ओर से सोमवार को साधु सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस दौरान उन्हें मोहाली थाने में दर्ज की गई नई FIR भ्रष्टाचार अधिनियम कानून की धारा 13B और 13A के तहत गिरफ्तार किया गया। धर्मजोत को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि जांच से पता चला कि 1 मार्च 2016 से 21 मार्च 2022 तक पूर्व मंत्री व उनके परिवार की आमदन 2,37,12,594 और कुछ पैसे थी, जबकि खर्चा 8,76,30,888 और कुछ पैसे थी, जो कि 6,39,18,292 रुपए और कुछ पैसे अधिक थी। आरोपित साधु सिंह की आमदन स्रोतों से 269 अधिक थी। ध्यान रहे कि खैर के पेड़ की कटाई के लिए परमिट जारी करने के मामले में साधु सिंह को पिछले साल गिरफ्तार किया था। साधु सिंह धर्मजोत पर आरोप है कि पेड़ों की कटाई के लिए परमिट जारी करने में अनियमितताओं सहित अधिकारियों के तबादले, खरीदारी और NOC में धांधली करते थे। ब्यूरो ने मंत्री के आरोपित के मीडिया सलाहकार कमलप्रीत सिंह कमल और चमकौर सिंह को भी गिरफ्तार किया है। FIR में चन्नी सरकार में वन मंत्री रहे संगत सिंह गिलजिया का नाम भी शामिल किया गया है। इस मामले में धर्मजोत के अलावा IFS अधिकारी अमित चौहान, DFO गुरमनप्रीत सिंह, वन गार्ड दिलप्रीत सिंह और संगत सिंह गिलजिया, धर्मजोत के OSD चमकौर सिंह, कंवलजीत सिंह खन्ना, शहर SS गिलजिया के PA कुलविंदर सिंह शेरगिल और सचिन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जाँच के दौरान हर मोहिंदर सिंह उर्फ हमी ने बताया कि साल 2017 से वे वन विभाग के अधिकारियों, नेताओं और उनके सहायकों को दी रिश्वत का लेखा जोखा रखने के लिए एक हस्तलिखित डायरी रखता था। वह डायरी उसके स्थान से बरामद की गई थी। डायरी से आरोपियों के तौर तरीकों का खुलासा हुआ और इसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया।